मसर सिंगे आश्रम पे भूपन के आश्रम पे पहुंचे तो पहले के संत जो थे वो ऐसे पूजा नहीं करते थे, ऐसे पूजा नहीं करते थे। आजकल की पूजा में तो बहुत बड़ा अंतर है, पहले की पूजा में बहुत अंतर है, क्योंकि पहले जो संत पूजा करते थे वो अपने शरीर को तपा देते थे। तुलसी सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता वय जानिए जके राम नाम धन होए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ सभी भाई बंधु बैठे, दुनिया में सबसे बड़ा धनी कौन है? महाराज परीक्षित, सबसे बड़ा धनी कौन है दुनिया में? जाकर गुनाओ धनी बोई धनी बता रोज का धनी राम। सुनो, सबसे बड़ा धनी दुनिया में कौन है? जिसके कर में तन में मन में भगवान है वो सबसे बड़ा धनी है। लेकिन एक बात याद रखना, इंसान को पहला ज्ञान कब प्राप्त होता है क्या आप जानते हो? इंसान को पहला ज्ञान कब प्राप्त होता है? महाराज किसी कवि ने लिखा है कि जब अर्थी जाती है तो हम तो भैया नहीं साथ गए और ना हम जाते हैं, हम नहीं गए साथ। जो महाराज जाते हैं उन्हें पूछो कि इंसान को पहला ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब अर्थी जाती इस दुनिया में हम सोचेंगे हमारा कोई है, आपका कोई है, कोई किसी का नहीं है। क्यों? ये जीवन है भैया, ये जिंदगी जब अर्थी उसमें जलती है तो उसका पुत्र हो या कोई भी हो वो आग लगाता है, जलाता है उसे, तो वो खड़ा होता है लेकिन पूछता है बुजुर्गों से कि भैया कितना टाइम और लगेगा इन्हें जलाने के लिए। और जब उसमें अग्नि लग जाती है, जब जलने लगता है, तो आप सच बताना मेरी माता बहने तो नहीं जाती, आपके दिल में क्या विचार आता है? जब वो अर्थी जलती है तो आपके दिल में क्या विचार आता है? महाराज एक ही विचार आता होगा कि आज जैसे इसकी इसका शरीर जल रहा है, होली की भूखी जा रही है, एक दिन इसी घाट मुझे भी आना है। लेकिन भूल कब जाता है? जैसे ही घर पे आया और जैसे ही गंगा जल के छिड़काव डाले सब भूल गया। इंसान जान कर हर चीज जानता है लेकिन फिर भी भूल कर बैठा। ये जीवन है ना हमारा, एक रेलगाड़ी की तरह है। क्यों लिखा है कवियों ने बड़ी सुंदर कल्पना की है, जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन